इस आराधी
Oh.
संत की गैल ना छोड़ी है, संत दा साथ, संत दा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना। जेड़े रस्तियों ओ लंग जाए उनका हम कदम बदल बनना है। पिछे पिछे तुरना है, मार्ग लागा जाओ ते प्रमाण भी सी संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। संत दी सुफत, संत दी संगत मैं रात दिन स्थान विच ना जाऊं। संत दा साथ जीवन लई जरूरी है। ते दूजा श्लोक सी नाल साकत संग न कीजिए। दो मसले सामने खड़े हो गए, जीवन लई संत दा साथ, संत दी संगत जरूरी है, ते साकत तो दूर जाना है। साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग। बासन कारो परसिए तो किछ लागे दाग। ये दो श्लोक ते
इस दे विचार विच्चों साडे सामने जिहड़ा सवाल आया कि शब्दावली दा नजायज़ फायदा उठाते हैं गुमराह करने वास्ते, संत की परिभाषा जिहड़ी साडे सामने आई वह बदल गई सी, क्योंकि सानू जरूरी सी असी जिंदी संगत बिना साडा जीवन बेअर्थ है, कम से कम उस संत की पछाण हो गई। ते जिंदी संगत कीते आ साडे जीवन नू खतरा है, जहर है, उंदी भी पछाण हो गई। स्याणे लोग आखदे ने कि सज्जन ते दुश्मन दोहां दी पछाण बहुत जरूरी है। सज्जन नाल सज्जनता ही मित्रता उदों तक निभदी है जदों तक उहदी पछाण होवे। ते इसे तरह दुश्मन की पछाण होवे तद ही उहदे खतरियां तो मनुख वाकफ हो के बच के रहिंदा है। दोहां दी पछाण होनी जरूरी है। हुण दो श्लोक दे एक पासे संत दा मसला है, दूजे पासे साकत दा मसला। संत नूं जीवन दा जरूरी हिस्सा आख्या गया है ते साकत नूं जीवन विच नेड़े ना आवे ऐसा नफरत दा पात्र बनाया गया है। इहदा मतलब सानूं संत ते साकत दोहां दी पछाण होनी चाहीदी है। रात बहुता समा इस गल ते लग गया क्योंकि मनुख दा जिस लफज तो जिस सब्जेक्ट तो ज्यादा नुकसान होंदा होवे उहनू चंगी तरह विचारना पैंदा। अज साडे सामने संत शब्द दी पछाण ना होण करके बहुता नुकसान हो गया, थां थां डेरे बन गए। एक संत दे घर अगे 100 संत पैदा होंदा, एक गृहस्थी दे घर ते 2-4-6 बच्चे होणगे परिवार वधेगा। एक गृहस्थी मरदा ते उहदे कई वार लिखिया जांदा इहदे इन्ने बच्चे सन, इन्ने बेटे ने, इन्नियां बेटियां नूं लिखिया जांदा। पर केड़ी अजीब गल है, एक संत जिहड़ा समझदा मैं संसार ते आ गया, एक संत जिंदे बारे ये आख्या जांदा है कि ये संसार नाल संबंधित नहीं रहा, इंदा कोई परिवार नहीं, बल्कि बेहंगम लफज परिवार रहित लफज जिहड़ा उहदे नाल जोड़िया गया है। जे ओ चला जाए तो उहदे मगर 2-4 बेटियां दा नाम नहीं, 100 संत पैदा हो जांदा। नतीजा निकलिया कि संत की गिनती वधदी गई, वधदी गई। मैं मुड़ उस संकेत वल वधां, क्यों? क्योंकि साडी पछाण तो बाहर गल इसलिए होगी क्योंकि संत की परिभाषा असी गुआ बैठे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੋ ਭਾਵੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਭੋਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ
ना वाकफियत होने करके संत की परिभाषा गलत समझ के गुमराह हो गया। मनुख ने समझिया लंबे चौड़े वाला, गोल पग वाला, हाथ में सिमरने माला फड़न वाला, गल में माला पाउन वाला, वो संत होता है। रात उनके संबंध में गुरु ने जो वचन किया वो भी थोड़े नाल साझा किया। मैं हम ज्यादा फिर पिछले विस्तार में जावा, समा अगले योगा नहीं रहना। नतीजा निकलिया कि मनुख ने संत दे शरीर दे भेख नू पहल दे दिते, क्योंकि भेख जिन्ना है भावे वो किसी का भी होवे, भेख जिन्ना वो शरीर तक निर्भरित होता है। मैं बहुत बार एक गल नू दोहरा चुकी हूं, वो एक गुरमत अनुसार ना रब शरीर है, वो शरीर नहीं, ना गुरु शरीर है वो शरीर नहीं, ना सिख शरीर है वो शरीर नहीं, विश्वास करो ना संत शरीर है शरीर नहीं, पर बदकिस्मती कि ये चारों चीजों तुसी लैंग विच खड़िया कर लो, असी इन्हां नू शरीर ही मन बैठे, असी गुरु नूं भी शरीर ही समझ लिया। तां ही तां भोग लवाउण वेले भी ये आखने आ भी खोरे भोग लवाउणा प्रशादा छक लै, तां ही ते असी आखने आ सर्दियां विच इन्हां ते रजाई देण दी लोड़ है, क्योंकि शरीर है, सर्दी तां शरीर नूं ही लगनी। तां ही ते कहने आ गर्मियां विच इत्थे पखे दी जां एसी दी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने गर्मी लगती। हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहब को पुछिए तो यह तो गल है, कद फैसले श्री गुरु ग्रंथ साहब को लाइए। सतगुरु कहते ने भी गुरु कितने रहा, जल नहीं पवन पावक तै नाही, सतगुरु तह समाई फैसला गुरु दस, ना उत्थे पानी है ना उत्थे हवा है पवन है ना उत्थे पावक है भाव अग है, ते गुरु तो उत्थे बैठा है। इसका मतलब शरीर में, क्योंकि शरीर नूं तां पवन की भी लोड़ है, साह ही नहीं आना जे शरीर होंदा ते पवन तो बिना जीवन नहीं रह सकता, साह कित्थों लाएगा, जे शरीर हो गए तो खाना कितों बना, पावक की लोड़ है, शरीर के अंदर ही पवन भी है पावक भी है। पर क्योंकि गुरु शरीर नहीं, इसलिए वो पवन तो बिना भी रह सकता, गुरु शरीर नहीं इसलिए वो अग तो बिना भी रह सकता, वो सब तो ज्यादा गिनती अंदर शरीर का हिस्सा पानी है, पर क्योंकि गुरु शरीर नहीं इसलिए वो पानी तो बिना भी रह सकता, जल नहीं पवन पावक तै नाही सतगुरु तह समाई, पर असी गुरु नूं भी शरीर मन लिया, असी सिख नूं भी शरीर मन लिया, इसलिए इनके कपड़े जिहड़े शरीर ते पहनण वाले सन, इनकी खुराक भोजन जिहड़ी शरीर लई खाधी जाणी, इहदे ते साडा झगड़ा है, इह खांदा की है, जे आ नहीं आ खांदा ते सिख नहीं, जे एहो जे कपड़े नहीं एहो जे कपड़े पाउंदा तां इह सिख नहीं। असी सब कुछ शरीर नाल जुड़िया होया, सिख भी इसे तरह चलदियां चलदियां रात भी कलवद आए सन कि असी अज इत्थे आ खलो गए कि ऐसे रब नूं भी की करने जिहड़ा रब दिसदा ही नहीं, उस रब ने आदा अज तक साडा की सवाल है, और रब कितने बोड़िया है आया नहीं आया, किन्ने एग्जाम्पल दे साडे सामने आने दिन अंदर ये चीजा आम आ रही ने जिहड़ियां असीं समझनियां ने गुरबाणी ने अपने हक विच दलीलां देने वाले ने कि यह साबित किया जा सके
ਕਿ ਰੱਬ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਧਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਸ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆਖਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਚੋ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ, ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਸ ਕਰਾਂ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਦਿਸਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦਿਸਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਹਵਾ ਰਹੇਗੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਝੜ ਆਏਗੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨ ਆਛੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਭਰਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਲਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਸ਼ਟ ਹੈ।
मैं थां थां ते भर रहा तो मैनू कोई नाम दे दर्शन करा दे। नाम सी गुण, नाम दे दर्शन करा दे। आखिर नू मैं संत दे सामने पेश होया। उन लोगों अगली लाइन ते इस लाइन ने इस गल नू स्पष्ट करना है। परम आयो है सगल थान रे आए परयो संत पाछे। संत दे सामने पेश होया कि मैनू तू नाम दस दे। नाम की होता है? अज का मनुख भी संत को जा रहा है इसलिए कि मैनू नाम दस दौ जी। नाम संत दिंदे ने। साडा गुमराह कौन मोड़ कितने? पर अगली लाइन के नाल दी फिर पढ़ो। इस गल स्पष्ट कर रहा है कि संत कौन, किस संत अगे पेश होया। कहन लगे अर्थ है जाना, चलना, चला जाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच एक होर शब्द है, जदों बच्चियां कुछ गुरु नानक पातशाह दे कोल आईयां अपने विचारां नाल, ते उत्थे भी लफज गुरु ने जिहड़ा उन्हां नूं संबोधन करके दिता, उत्थे लफज गाछे है। गाछो पुत्री राज को आ। गाछो दा अर्थ है जाओ। गाछे दा मतलब गया। कहन लगे मैं किस संत दी सेवा करा, किस दी आराधना करा, जो दिसते जेड़ी चीज मैनू दिसदी है वो तो सारी गाछे चले जाने वाली है, रहन वाली है। एडा खूबसूरत जवाब है। हुण तुसी सोचो, तुसी जिस संत की सेवा करते हो वह जाण वाला नहीं, जिन्हों अज का मनुख संत समझी बैठा। जिस संत दे चरण धो के पीने असी पूजा समझने, धर्म समझने, कि वह संत रहन वाला है, हमेशा रह जे रहा तो फिर उनकी बरसियां क्यों मनाते हो? हमेशा रहता है। हालांकि गुरु बाणी अंदर एक लफ्ज कह रहे हैं, साकत मरे संत सब जीव है, संत मरता नहीं। इनका मतलब वो संत हो रहा। गुरबाणी आख रही है साकत मरे संत सब जीव है। संत जेड़े ने जीते रहते हैं, मरते नहीं। तो फिर की कारण है? साकतों की तो कोई बरसी नहीं बनाता, संतों की बरसी बनाते। संत मरते हैं, साकत तो मरते नहीं। आज तक दसो किसी ने डाकू की किसी की बरसी मनाई होगी? दसो किसी चोर की बरसी मनाई होगी? दसो किसी ने जालिम किसी जुल्म करने वाले की औरंगजेब की बरसी मनाई होगी? आज तक किसी ने बाबर की बरसी मनाई होगी? बरसी तो सब संतों की मनाई जाती। साड़ी परिभाषा करने में की अंतर है? असी परिभाषा कर बैठे हैं क्योंकि संत शरीर है, ते शरीर मरता है, संत शरीर है, इसलिए संत की मर्सी मनानी। साड़ी निगाह में केवल शरीर नो ही असी सब कुछ समझ बैठे हैं, इसलिए शरीर का भेख ही असी संत दा रूप दे चुके हैं। असी बड़ी आसानी नाल छेती नाल समझ लैने भी इनकी गोल पग है संत। मैं किसी होर की गल की कर, मैनू अपनी हद बीती याद आ गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की खोज ते गहराई में जाने तो पहला आखिर हर मनुख के जीवन एको जहा तक रहेगा। मैं भी संत की नाम की संगत संगत बचपन से बहुत छोटी उम्र में
ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਹੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਲਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਸੰਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਗੋਲ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ, ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰਪੱਗ ਛੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਪਰਖ ਕੇ ਸੰਤ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਿੜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭ ਹੋਵੇ, ਹੰਸਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਖਤ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਭ ਬਨਾਵਟੀ ਨੇ,
सब मन दियां अपनी अंदाजियां ते इच्छावां नाल बनियां होईयां, बल्कि हुण तां इत्थों तक मुश्किल बन गई है कि हर किसी डेरे दे साध ने अपने मूंह अपने चेहरे नाल मिलदी जुलदी फोटो बना के उहदे थले गुरु नानक लिख लिया है। दुकान वध रहा है, क्यों वध रहा है? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के उस ख्याल विचार नूं असीं छड्ड गए हां जिंदे विच गुरु आख रहा भरिया मैं करां की किस होर सेवी किस आराध्य जो दिशते सो गाछे, करां की मैनू ना वो रब चाहिदा है जेड़ा दृष्ट विच आवे, क्योंकि दृष्ट आने वाली हर चीज गाछे चली जाएगी, वो हमेशा नहीं रहेगी, वो हमेशा नहीं रहेगी, पर असी दृष्ट विच आने वाले नु रब समझी बैठे हैं, दृष्ट विच आने वाले नु गुरु समझी बैठे हैं, दृष्ट विच आने वाले नु ही संत समझी बैठे हैं, ते दृष्ट विच आने वाले नु ही सिख समझी बैठे हैं। नतीजा ये है कि जेड़ा नीले पीले चिट्टे कपड़े पा ले सिख है, लिखण वाले ने यह लिख दिता जेड़ा हरे रंग ते लाल रंग की पग बन लगा सिख नहीं, मेरे नाल हड़े दुबई में मेरी गल वापर कुछ दिन पहले ही अखंड पाठ का भोग पिया सी, मेरे जाने तो पहला कुछ दिन पहले ही भोग पिया सी, ते जिंदे वल्लों अखंड पाठ की समाप्ति सी ओ रुमाला लैके आया, ते जेड़ा गुरु साहब की हजूरी में बैठा सी सिंह टिकसालिया सिंह सी, जिस उन्हें रुमाला दिता ते देख के कहिंदा रुमाला मैं नहीं चढ़ाना क्योंकि इन्दे च लाल रंग पैंदा है, गुरु प्रवान ने वो बेचारा बड़ा परेशान भी मैं रो ही बैठा हूँ, मैं बदल के भी नहीं लिया सकता, भोग पिया है मेरे वालों रुमाला पेश हो गया, बिल्कुल नहीं मैं रुमाला पेश नहीं करना क्योंकि इन लाल रंग पैदा है, झगड़ा खड़ा हो। खैर उस झगड़े नबेड़न वास्ते प्रबंधकों ने एक सियादत की कि वह रुमाला रख लिया, तो अंदरों होर गुरुद्वारे वालों जो पैसे सन रुमाले उन्हें लिया के रुमाला पेश कर, पर झगड़ा बढ़ गया, उनके मन की इच्छा तो पूर्ण ना हुई, जिहड़ा मन की इच्छा नाल कोई रुमाला लेके आया सी, दो दिन चार दिन छे दिन बाद ही दास ने उत्थे जाना सी, ओह केस वांगू मेरे सामने पेश हो गया, मेरे नाल आ वापरी कि गुरमत विच लाल रंग ते हरे रंग नू गुरु ने प्रवान नहीं किया, जां जिहड़ा सिख लाल रंग ते हरे रंग दे कपड़े पाउंदा है वह प्रवान वह अज भी कहिंदे ने, उन्हां दी बकायदा सिख रहत मर्यादा भी जिहड़ी उन्हां वल्लों बणी होंदी है उहदे च लिखिया होया कि सिख ने लाल रंग ते हरे रंग नूं नहीं पहनना, कित्थे खड़िया सी। खैर मेरे सामने सवाल आया, मैं कहा ठीक है मैनूं गुरबाणी विच पढ़न दे, दो दिन लगातार दास ने एक दिन लाल रंग ते कीर्तन कीता भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने बाणी विच लाल रंग इत्थों तक सलाह है, बल्कि इत्थों तक गुरु ने बाणी विच कह दिता लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन को गुर दीजे, कहिंदे मेरा मालिक ही लाल है, जे तू मेरे मालिक वर्गा बनना है ता अपना मन रंगन वास्ते लाल रंग करन वास्ते गुरु अगे मन समर्पण करना पड़ेगा, लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन को गुर दीजै, लाल रंग तुसको लगा जिसके वडभागा मैला कदे ना हो गई न लगेगा, बहुत सारे प्रमाण बाणी दे होए एक दिन कीर्तन लाल रंग ते होया ते दूजे दिन हरे रंग ते होया, हरिया रंग की है हरियावल खेड़ा रब हमेशा खड़िया रहिंदा है, उहदे च कदी सुपेवा नहीं आउंदा, गुरबाणी विचों स्पष्ट कीता। खैर दो दिन कीर्तन हो गया, उहना वीरां नूं जिन्हां दा इह ख्याल सी वी लाल रंग ते हरा रंग बिल्कुल नहीं पहनना, उहनां दे मन अंदर परेशानी भी आई भी तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों उहनां ने साबित कीता, दास जी उस होटल जिथे रहा हुआ सी शामां नूं दो सिंह आ गए बिल्डिंग वास्ते, सिंह साहब तुसीं
लाल रंग ते हरे रंग नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों समझाया है। सिख नूं पहन लेना चाहिए, मैं क्या कोई हर नहीं। जे तुहानूं कोई लाल रंग ते हरे रंग दा सिरोप देवे तुसीं पहन लाओगे, मैं क्या जरूर, मैनूं कोई लाल रंग ते हरे रंग च परेशानी नहीं। उन्होंने आप वालों मैं परखना सी, वो अपने झोले में लाल रंग ते हरे रंग दियां एक एक पग दो दस्तारा लेके आए सन, मैंने पहला नहीं दसिया। ये सारी गल करन तो बाद वो दोनों दस्तारा कटियां ते कहंदे जी फिर असीं दो सरपाओ लेके आए हैं, ठीक है। उन्होंने मैंने दिते, मैं लै बाद विच उन्हें मेरे एक सवाल किया, कहने लगे अज रात में फिर लाल रंग की दस्तार बन के आया नहीं, इन्हों की यह गल भी न रहे हरे रंग की दस्तार बन के आओ, मैं क्या नहीं कारण तुसी हुने तो आखे परवान, मैं क्या परवान, पर मैं क्या तुसी डरदे ने चोरी क्यों, मैं होटल में चाह के क्यों दिता सिर पाओ, तुसी मैं उत्थे दिंदे मैं उत्थे ही बन जाऊंगा। डर के चोरी दिता है इत्थे लिया, हुण मैं जदों मर्जी बनना। तो मेरे कहने का मतलब वीरो साडा दुखांत की है, असीं कपड़े ते खलो गए हां, सिखी नूं असीं अपने कपड़िया के रंगा में लपेट लिया है। उनका कारण सिर्फ यह है क्योंकि असी हर चीज को शरीर मन लिया है, तो गुरु ने कहता है कह लगे जड़ी चीज दिसदी है वह कभी हमेशा जिंदी नहीं रहती, वो तो मर जाती है, तो किसी मरण वाले की मैं पूरा करा, जिहड़ा मरदा है वो संत नहीं हो सकता, साकत मरे संत सब जीवन गुरबाणी के, जिंदी बरसी मनाई जाती है वो कभी संत नहीं हो सकता, गुरु कहता है अपनी रसना तो। यह गल अज बाणी रात यो नवा आया, तो मैं आख्या बाकी रही गल सवेरे करांगे। एक फैसला मन अंदर मनो कि कभी भी ये नहीं सोचना कि साडा गुरु शरीर है, संत शरीर है, रब शरीर होवे ताई उन्हूं मनीए, ओ भलिओ जिहड़ी चीज शरीर है जो दिसे सो सगल विनाशे, मरेगी ते मरण वाली चीज अकाल पुरख नहीं हो सकती, मरण वाली चीज संत नहीं हो सकती, मरण वाली चीज गुरु नहीं हो सकती। सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे सिवाए। गुरु कहंदे ने मेरा गुरु भी अविनाशी है मरदा नहीं, मेरा रब भी अविनाशी है मरदा नहीं, विश्वास करो। ते गुरु कहंदे ने संत भी अविनाशी है, साकत मरे संत सब जीव है ओ भी मरदा नहीं, इसलिए विश्वास करो ओ तां ही नहीं मरदा क्योंकि शरीर नहीं। जिन्ना चिर असी शरीरां तो उच्चे उठ के गुणा नूं नाम समझ के गुणा नाल नहीं जुड़ांगे उन्नी देर गुरु की बख्शी हुई गुरमत अनुसार असी रहमत नहीं प्राप्त कर सकांगे। इहो गल सतगुरु ने अज दे शब्द विच ते रात दे हुक्मनामे विच आखी कहन लगे। दिसदा है ना वो दिसने वाला हर कोई गाछे चले जाने वाला है। हुण तू सोच तैनू शरीर नाल प्यार है, शरीर दे चरण ने जिन्हों तू धो धो के पी रहा है, तू दे गुण लै मैनू कोई इतराज़ नहीं, जे किस विच कोई गुण ने तो उन्दे कोलों गुण लैण दा गुरु ने बख्शिश कीती है, आख्या कहण लगे जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए, सांझ करी जाए गुणा तेरी
जे किसी मनुख विच कोई चंगा गुण है रब्बी बख्शिश दे गुण ले ले पर उन्दे शरीर नु रब ना समझ नतीजा निकलता है मैं अखा नाल देखे साध अपने संत अपने थाल विच भोजन छकदा छकदा हुण ते जान के छड दे ने झूठ क्योंकि उन्होंने पता है बाहर बैठे ने उड़ीक करने वाले जेडे सीत प्रसाद आके मांग करते हैं कि संतां दे थाल विच बचे हुए भोजन का कुछ टुकड़ा सानू भी मिल जाए वो पर सोच जेड़ा संत ने प्रसादा छकिया उस शरीर वाज छकिया कि गुण ने सतगुरु के बाणी अंदर ता भोजन का जिक्र किया है कहते हैं हर नाम हमारा भोजन है छत्ती प्रकार उनका सीत प्रसाद है गुरु कहते हैं हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार जित खाइए हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे न हो गई और पहनन की हमारी शर्त गई उनका सीत प्रसाद है पर तू संत दे थाल विच बची हुई रोटी का सीत प्रसाद ले रहे हैं तू संत दे शरीरक चरण धो के पीन नू अमृत आप के समझ के पी रहे हैं नतीजा ये निकले है तू शरीर नाल जुड़ गया है ते शरीर बिलस जान वाला है वह हमेशा रहन वाला नहीं वह संत नहीं हो सकता यो गल गुरु बाणी विच कहना समझ के ओदिया बरसियां मनाने वाले तू तो आप ही भुलेखे विच है शरीर संत हुंदा ते ओ फिर विश्वास कर संत तो मरना नहीं ओदिया बरसियां दी लोड़ नहीं पर तू रोज सतगुरु बाणी विच आख रहे ब्रह्म ज्ञानी वो भी नहीं सत जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता एक पासे तू ब्रह्म ज्ञानी आखना एक पासे उन्हें संत आखना एक पासे उनकी बरसियां मनाना तू तो अपने आप में ही भुलेखे भी तो पहले अपना भुलेखा दूर कर गुरु शब्द बख्शिश करे सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों परमा की निवृत्ति हो जाए ताकि उस चानन उस रोशनी विच असी अपनी मंजिल तय करिए ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ